हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे पेलाग्रा रोग क्या है। दोस्तों, इस बीमारी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसका लक्षण क्या है, काज क्या है, सिम्टम्स क्या है, दवा क्या, उपचार क्या है और क्या इलाज कराना चाहिए। दोस्तों बने रहिए चैनल पे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, जब हमारे शरीर में विटामिन B3 का स्तर कम हो जाता है या विटामिन B3 जिसे नियासिन या निकोटिनामाइड भी कहा जाता है, इसका स्तर कम हो जाता है तो हमारे शरीर में पेलाग्रा नामक रोग होता है। जैसे यह विटामिन मुख्यतः विटामिन B3 के कमी से ही होता है। इसमें प्रकाश के प्रति संवेदनशील, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन के ऊपर रैशेस पड़ जाना, बाल का झड़ना, जीभ में सूजन और लालिमा पड़ जाना, इंसोमिया, DCM, उल्टी, दस्त, त्वचा रोग इत्यादि होते हैं। कारण नियासिन या निकोटिनामाइड या विटामिन B3 जो होता है उसका लेवल कम होने के वजह से होता है। दोस्तों, उस उपचार में यदि हम देखें तो यूरिन टेस्ट, निकोटिनामाइड या निकोटीन का स्तर यूरिन के द्वारा पता करते हैं। यदि कम रहता है तो समझते हैं कि ये पेलाग्रा रोग है। नियासिन उपचार में नियासिन या निकोटिनामाइड का 300 mg का BD डोज मतलब सुबह शाम देते हैं, इससे ठीक हो जाता है। और खान पान में बैलेंस डाइट, फोर्टिफाइड फूड जैसे चिकन, मछली, हरी मटर्स, मशरूम, ब्रोकली, ऑमलेट, बादाम, सीरियल्स, नट इत्यादि खाने से भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होता रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।